अब भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ में मिलकर के कई बड़े प्रोजेक्ट ऑपरेट करने शुरू कर दिए हैं। और न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी भारत के साथ काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी देश नहीं चाहता कि कुछ समय पहले श्रीलंका की जो हालत हुई है वो इनमें से किसी को भी दोबारा देखनी पड़े। जिसके चलते साल 2023 में ही हमने रिसेंटली श्रीलंका को ट्रक्स और बसेस की एक बड़ी फ्लीट को एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा बांग्लादेश में न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्लांट्स लगाए, इसके अलावा डीजल एक्सपोर्ट करने का काम किया। और अब नेपाल से दो बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि भारतीय कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नेपाल में दूसरे हाइड्रो पावर प्लांट बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। करंटली एसजीवीएन के पास पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर एक रन ऑफ रिवर करीबन 900 मेगावाट का अरुण 3 हाइड्रो पावर प्लांट मौजूद है। इसके अलावा नए पावर प्लांट को 2024 में पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी करीबन 669 मेगावाट रहने वाली है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल और पीडीएनई पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट को साइन किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीबन 92.68 अरब रुपीज का खर्च आने वाला है, जिसमें दोनों तरफ से बराबर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो भारत में नेपाल से करीबन 600 मेगावाट प्रति घंटे के हिसाब से बिजली को खरीदना शुरू किया जा चुका है। पिछले साल भी भारत ने नेपाल से बिजली खरीदी थी, क्योंकि इस समय तापमान परिवर्तन की वजह से नदियों में पानी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसके कारण अब पानी को डैम्स में ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, जिसके कारण डैम्स को ओपन करके ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। और इस जनरेट हुई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को भारत को बेचने का काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले की बात की जाए तो नेपाल को भारत ने भी करीबन 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने का काम किया था, क्योंकि नेपाल में सर्दियों के समय में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और डैम्स को ऑपरेट करना उतना ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। इसलिए हमारे पावर क्राइसिस में नेपाल हमारा साथ देता है और उनके पावर क्राइसिस में भारत साथ देता है। पिछले साल नेपाल ने भारत को बिजली बेच करके करीबन 12 अरब रुपए की कमाई की थी और इस साल भी काफी कमाई करने की उम्मीद है। आई इन सभी रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में मजबूत रिलेशंस बनाना शुरू कर चुका है, जिससे इनके रास्ते से चीन भारत के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भविष्य में हम अपने बॉर्डर्स को सेफ रख पाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।